हर साल नया साल आता है, पर मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि इसमें नया क्या होता है। बस नंबर चेंज होते हैं और तो कुछ नहीं, सब एक दूसरे को विश करेंगे हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन काहे का हैप्पी न्यू ईयर, दिन वही रात वही, आपके थॉट्स वही, आप भी वैसे के वैसे ही, तो फिर क्या फायदा न्यू ईयर आने का। दोस्त, आपका नया साल तो तब शुरू होगा जब आप अपने आप को बदलना शुरू कर दोगे, जब आप अपने आप से वादा करोगे कि दिस ईयर विल चेंज माई लाइफ, दिस इज माई ईयर, ये मेरा साल है। हेटर्स को दिखाना है कि हम क्या हैं और दुनिया को दिखाना है कि हम कौन हैं। पिछले साल 31 दिसंबर 2018 को मैंने अपने आप से कुछ सवाल किए कि पूरा 2018 निकल गया, कल 2019 आने वाला है, तो इस पूरे एक साल में तूने क्या किया। तो मुझे जवाब मिला कि इस पूरे एक साल में मैंने किया तो बहुत कुछ, लेकिन मैंने वही किया जो सब लोगों ने किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस साल कुछ अलग करेंगे, इस साल कुछ ऐसा करेंगे कि ये दुनिया देखती रह जाए। तब मैंने अपने आप से एक वादा करा कि जब 2020 आएगा, यानी आज से ठीक एक साल बाद, तब मेरे पास 1 लाख से भी ज़्यादा यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स होंगे। और मुझे इस पूरी दुनिया को प्रूव करना था कि 16 साल की इतनी कम उम्र में वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है जो आप चाहते हो। उम्र छोटी हो कोई बात नहीं, बस आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। उम्र कोई मायने नहीं रखती मेरे दोस्त, मायने रखती है तो आपके अंदर की जिद कितनी बड़ी है, आपके अंदर का जुनून कितना बड़ा है। और जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना अधिक मुझे मिला। दोस्त, आपको तब तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप अपने आप से मांगोगे नहीं। हर वो मुकाम जो आप पाना चाहते हो, हर वो चीज जिसे पाने की आपके मन में एक ख्वाहिश है, अगर आप मांगते हो ना कि एक साल में मेरे पास ये होगा और एक साल के अंदर अंदर मैं ये करके दिखाऊंगा, और अगर दिल से मांगते हो तो आप कर जाओगे। और मांगना किससे? भगवान से नहीं, अपने आप से। भगवान को जो कुछ भी देना था वो सब कुछ दे चुके। भगवान ने इतनी बड़ी और इतनी हसीन जिंदगी दी है जिसका हम कभी कर्ज भी नहीं चुका सकते, अब उनसे और क्या मांगना यार। तो जो कुछ भी तुम जिंदगी में चाहते हो ना, खुद से मांगो और वादा करो अपने आप से कि इस चीज को मैं हासिल करके रहूंगा, इस काम को मैं करके रहूंगा। पूरा विश्वास करो खुद पे, तुम सब कुछ कर सकते हो, बस मानने की देरी है। और इस साल कसम खा लो कि अपने किसी न किसी काम से इस देश का भला जरूर करेंगे, सारी नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। अपने अंदर की सारी बुराइयों को आग लगा दो और छोटी सोच को तो पैरों तले रौंद के खत्म कर दो, और कुछ ऐसा सोचो जो कि लोगों की सोच से परे हो, लोग देखकर हैरान हो जाए कि गजब यार, ये कैसे हो सकता है, इसने ये कैसे कर दिया। और इस वीडियो के लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा, पुराना साल सबसे हो रहा है दूर, क्या करें, यही है कुदरत का दस्तूर। पुरानी यादें सोचकर उदास ना हो तुम, नया साल आया है, चलो मचाते हैं धूम, चलो मचाते हैं धूम। और दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस साल अपनी जिंदगी बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने सारे सपनों को सच करने के लिए? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना यस आई एम रेडी। मैं दीपक दैया आप सबके सपनों को सपोर्ट करता हूँ, और भगवान से आशा करता हूँ कि आपके मन में जो भी ख्वाहिश हो, जो भी आपके सपने हो, वो 2020 में जरूर पूरे हो। और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।